तो आज की वीडियो में हम हमारी एक साल की डाइट को पॉज कर खाने वाले हैं वो सारी चीजें जो मैंने अपनी एक साल की डाइट में बहुत मिस करी है। एंड अब पूरी बकबक सुनने के लिए वीडियो जरूर एंड तक देखना। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है वो आपको पता चल गया है। तो आज हम खाएंगे पियेंगे वो सारी चीजें जो मैं अपनी डाइट की वजह से नहीं खा पा रहा था। तो उनमें से सबसे पहली चीज है जो मैं नहीं पी पा रहा था वो थी चाय, बिस्किट और टोस्ट। ये चीज मैं पहले रोज सुबह खाता था और जब से मैंने जिम चालू किया, मैंने डाइट अपनी स्टार्ट किया, तो मैं ये सारी चीजें नहीं खा पा रहा था। तो आज बनाते हैं जल्दी से मॉर्निंग चाय, नो मॉर्निंग टी, जल्दी से बनाते हैं मॉर्निंग चाय फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उसे एंजॉय कर। फाइनली पूरे एक साल बाद मुझे चाय और टोस्ट खाने के बाद इतनी खुशी हुई है कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ। एनीवेज जल्दी से चाय कंप्लीट कर हम बढ़ते हैं हमारे अगले खाने पर। तो हमारी जो अगली चीज है वो हम ऑलमोस्ट एक साल से भी ज्यादा हो गए हमने वो नहीं खाया है और वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता हुआ करता था एक टाइम पर। एंड वो चीज है ढोकला, जलेबी और समोसा। तो वी आर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जल्दी से हमारी बाइक निकालते हैं और चलते हैं। ढोकला और जलेबी तो हमें बीकानेर से मिल जाएगी बट मुझे वहाँ का समोसा बहुत छोटो लगता है। तो समोसा के लिए मुझे एक होटल पता है, वहाँ का समोसा बहुत ही क्रेजी और टेस्टी होता है। तो हम चलते हैं वहाँ से समोसा खाते हैं एंड देन घर आते वक्त जलेबी और ढोकला खाते हैं। इंटरेस्ट में मैं ये जो एक्सप्रेशन बना रहा हूँ ये मेरे रियल एंड एक्चुअल एक्सप्रेशन है। कोई भी समोसा मुझे इतना पसंद था बट मैं नहीं खा पा रहा था एंड फाइनली मैंने उसे खा लिया। यहाँ का समोसा लेजिट इतना टेस्टी होता है, जो भी घाट के ऊपर आसपास रहते हैं मैं तो रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आकर आप जरूर एक बार खाइए उसे। एंड मैं एक और ऑर्डर करने ही वाला था बट फिर मुझे याद है मुझे भी ढोकला भी खाना है, जलेबी भी खानी है, तो इसलिए मैंने उसे नहीं ऑर्डर किया। तो बिहार जल्दी चलते हैं और ढोकला और जलेबी खाते हैं और मुझे एक समोसा खाने के बाद अब और बहुत तेज़ भूख लग रही है। जल्दी से चलते हैं एंड ढोकला और जलेबी खाते हैं। ढोकला हमेशा से मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, मुझे नाश्ते में खाना बहुत पसंद है। ढोकला और जलेबी उसे भी हमने पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए खाया। And finally, हम निकल गए हमारे घर के लिए। One hour later. On a trop parlé. She wanna hang with a madman. Turn her bad, now she all on me. She wanna old school love, no love. तो यार बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने घर पर आकर सबसे पहले शावर लिया एंड नाउ शावर लेने के बाद अभी हम जाते हैं हमारे छोले भटूरे लेके आते हैं। तो यार नेक्स्ट डिश होने वाली है छोले भटूरे। छोले भटूरे का तो मैं क्या ही बताऊँ, सिर्फ फेवरेट स्ट्रीट फूड होता था, मैं स्कूल के बाद उसे बहुत खाया करता था बट आफ्टर सम टाइम मैंने उसे बंद ही कर दिया था। बट नाउ आज हम चीट डे कर ही रहे तो क्यों ना पहले की तरह छोले भटूरे फिर से खाते हैं। नाउ जल्दी से टी शर्ट पहनते हैं एंड बाहर जाके छोले भटूरे लेके आते हैं उसे खाते हैं। बॉडी की कंडीशन आप चेक कर सकते हो अभी कैसी है, रात तक पूरा पेट स्वॉलन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी बट कोई ना, ब्लॉक के लिए सब चलता है। तो नौ जल्दी से टी शर्ट पहनते हैं एंड चलते हैं। और राइट, तो नौ मैंने अपनी टी शर्ट पहन ली है एंड नौ जल्दी से चलते हैं अपने छोले भटूरे लेके आते हैं। छोले भटूरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो यहाँ विजय सेल्स के सामने उनका स्टॉल लगता था बट तो दिवाली वो दो दिन से वो स्टॉल नहीं लगा रहे। तो जस्ट विजय सेल्स के सामने ये थम्बी होटल है तो मैंने यहाँ पर अपना छोले भटूरे का ऑर्डर दे दिया है एंड नाउ मुझे यहाँ पर बैठकर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। छोले भटूरे कलेक्ट करते हैं एंड सर पर जाकर पीस खाते हैं।
said it's been a long time, you're looking brand new. I said yeah, it's been a while, you're looking fine too. She said oh yeah, what's been new? I told her come and catch a vibe and I can show. Alright, so hamein hamara partner mil chuka hai and now jaldi se ghar chalte hain and ise aakar hamare chhole bhature enjoy karte hain. You know that's my type, that's my type. Come here, baby, let me take your mind off it. Go for a ride, or you can ride on it. Face nice, I just wanna put a smile on it. Alright, so the reason मैंने छोले भटूरे के साथ लस्सी ली है, cause छोले भटूरे हो या छोले कुलचे हो, लस्सी उसके साथ best combo होता है. पर्सनली मुझे ये कॉम्बो तो बहुत पसंद है. अगर आप लोग ने कभी ट्राई नहीं किया तो आप लोग ट्राई करना. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं एंड खाते हैं. Cause I'm chasing that bag, baby, and I love a man. But you can hold it if you really wanna take your mind off it. Go for a ride, or you can ride upon it. Face nice, I just wanna put a smile on it. ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था थम्बी से छोले भटूरे एंड जेन्युइनली इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है. अगर आपके नियर बाय कहीं थम्बी है तो आप जोमेटो से या खुद जाकर ले सकते हो एंड थम्बी के छोले भटूरे ज़रूर से एक बार ट्राई करो. ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और टेस्टी है. फाइनली सारे छोले भटूरे ख़त्म एंड नौ प्लेट्स एंड सारी चीज़ें साफ़ कर कर मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग करता हूँ इंस्टा रील्स के लिए. फिर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ कहीं आइडिया आ रही होगी, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना एंड मिलता हूँ थोड़ी देर बाद. यहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें फिनिश करी और मुझे आ गई थी बहुत तेज़ नींद, का रीज़न मैं आगे वीडियो में बताता हूँ. ऑलराइट, सो थोड़ी देर बोलकर मैं ऑलमोस्ट 4.5 घंटों के लिए सो गया था. कॉल मैं सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे सो जाऊँ ब्लॉग की स्क्रिप्टिंग एंड राइटिंग करते हुए एंड मैं सुबह 8:30 बजे से कंटिन्यूसली ब्लॉग कर रहा हूँ. फॉर दैट रीज़न मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, थोड़ी आई मीन कुछ ज़्यादा ही नींद आ गई. बट एनी वेज 9:30 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो गया, सो जल्दी से चेंज करते हैं एंड डिनर के लिए चलते हैं. People snap and hit me y'all like what you want, what you want. Summertime's coming with a motive, yeah. Don't know about you but I'm a busy man, busy man. Too much girl, that's too much stress, yeah. Man, I got a missus on lock. Shit a good guy and been around a block, oh yeah. Live your best life, no regrets, no regrets. I'll be counting the kind of money you ain't seen yet. Shades on Gucci, sliders in the sunshine. Girl, I'm about to ride a show on waistline. I'll be cooking in the studio on waste time. Another banger on the way, another banger, what you mean? Shades on Gucci, sliders in the sunshine. क्या ही बताऊँ, मुझे बटर नान और बटर चिकन कितना पसंद है एंड मैंने इसे कितना मिस किया है अपनी डाइट में. बटर नान और बटर चिकन एक ऐसी चीज़ है, अगर मुझे लाइफ टाइम कोई ऑप्शन देता है, लाइफ टाइम एक ही डिनर कर सकते हो या एक ही लंच कर सकते हो, तो मेरा आग बंद करके रिप्लाई होगा बटर चिकन और बटर नान. बस मुझे जेन्युइनली इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. वो मेरे फेस को देख के पता चल गया होगा कि मैं कितना खुश हुआ था उसे खाने के बाद एंड या मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था इसे. सो या जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं एंड निकलते हैं घर के लिए. तो जैसे ही हमारी 2 रोटी ख़त्म हुई, हमने एक और रोटी ऑर्डर कर दी एंड उसे भी हमने एंजॉय करते हुए ख़त्म किया. फाइनली डिनर ख़त्म करने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं कंफ्यूज था मैं आइसक्रीम खाऊं या मैं मीठा पान खाऊं एंड फाइनली मैंने मीठा पान चूज़ किया. तो जल्दी से हमारा मीठा पान रेडी करा एंड घर के लिए निकले हम. घर आकर एक लास्ट चीट कर हमने हमारा पान खाया एंड हमने हमारा एक चीट डे से भरा डे किया एंड तो ऐसे ही और मज़ेदार व्लॉग्स के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर होंगे मैं एक क्रेजी सा व्लॉग अपलोड करूँगा, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कर दो. मैं मिलता हूँ आप लोग को बहुत ही जल्द. इन दैट टाइम बाय बाय.